सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी पाठमाला पाठ 13 बालक चंद्रगुप्त के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पुस्तिका में करेंगे। इसलिए सभी बच्चे अपनी पुस्तिका निकालेंगे और मैं आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर समझाऊंगी। आप सभी अपनी पुस्तिका में इन्हें करेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तिका निकालेंगे और पाठ 13 के शब्दार्थ अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। मैं उनके अर्थ आपको समझा रही हूँ। सम्राट, राजा, बंदी बनाना, जेल में डालना, दंड, सजा, शलाकाओ, सलाखो, कुतूहल, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, मुक्ति दिलाना, छुड़ाना या आजाद कराना, सगर्व, गर्व सहित और शान से, कुटुंब, परिवार, निर्भयता, निडरता, राजकीड़ा, राजा का अभिनय खेल, ग्रह, घर, वैभव, धन दौलत और शानो शौकत, अत्याचार, जुल्म, विपत्ति, मुसीबत, पुरस्कार, इनाम, चकित, हैरान, विनोद, मजाक, आतंक, भय, डर। इसके बाद बच्चों नए पेज से प्रश्न उत्तर हेडिंग डाल के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, मगध क्यों कांप रहा था? इसका उत्तर है बच्चों, सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। इसके बाद एक लाइन छोड़कर बच्चों दूसरा प्रश्न लिखेंगे, सारी राज्यसभा किस पर विचार कर रही थी? इसका उत्तर है, सारी राज्यसभा बिना पिंजरा खोले शेर को बाहर निकालने के बारे में विचार कर रही थी। एक लाइन छोड़कर बच्चों तीसरा प्रश्न लिखेंगे, बालक चंद्रगुप्त ने राजमहल में ऐसा क्या कर दिया जिसे देखकर सब चकित रह गए? इसका उत्तर है बच्चों, बालक चंद्रगुप्त ने लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजड़े को खाली कर दिया जिसे देखकर सब चकित रह गए। बच्चों, आपको ये कार्य अपनी पाठमाला पुस्तिका में करना है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।